नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की जो लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि रोज ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं जो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो गुटबंदी, जो रार चल रही है उसको सामने ला रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कल ऐसा कांड कर दिया कि सारे मीडिया के लोग, सारे राजनीति के लोग चौंक गए। और केशव प्रसाद मौर्य ने जो किया है वो दरअसल करना योगी आदित्यनाथ को चाहिए था। आप जानते हैं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की जो लड़ाई है वो भी एक लंबे समय से चली आ रही है। लोकसभा में जब से बीजेपी बुरी तरह से पीछे हुई है उत्तर प्रदेश में, तब से यह माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है उसको उससे हटा करके और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री तो बनते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हर वो काम कर रहे हैं जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। आप जानते हैं कि दिल्ली में जो बैठक हुई बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की, उसमें योगी आदित्यनाथ भी गए थे, केशव प्रसाद मौर्य भी गए थे और बृजेश पाठक जो डिप्टी सीएम एक और हैं वो भी गए थे। यह माना जा रहा था कि उस बैठक के बाद जब ये नेता लखनऊ लौटेंगे तो लखनऊ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लखनऊ लौटते ही केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा कांड कर दिया जिससे पूरे राजनीतिक घराने में हलचल मच गया, पूरे राजनीतिक महकमे में हलचल मच गया। केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या किया है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वो कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। वो इस तरह से सामान्य नहीं चल रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य की जो कवायद है, उनकी जो गुटबंदी है वो काफी खिंचती नजर आ रही है। काफी लंबे समय से वो चली आ रही है और लग रहा है कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, जिस तरह से वो सक्रियता अपनी दिखा रहे हैं, ये लड़ाई और लंबी चलने वाली है। क्या खबर निकल करके आई है देखिए, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, यूपी तक ने छापा है, यूपी तक ने क्या लिखा है, पार्टी को सरकार से ऊपर बताना, फिर पुलिस की बैठक में बढ़ते करप्शन की बात, केशव के मन में क्या है। जो बात द पॉलिटिक्स मैन लगातार बता रहा है कि केशव के मन में यही है कि वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी से हटें और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। क्या लिखा है खबर में वो भी मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में चल रहा आंतरिक गतिरोध जग जाहिर हो गया है। क्या लिखा है आगे इस खबर में, इसी के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी पुलिस के डीजीपी समेत बड़े अधिकारियों की बैठक ले ली और सोशल मीडिया एक्स पर लिख दिया कि बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि 2017 से लेकर अब तक यूपी में बीजेपी की ही सरकार है, तो ये भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कहना क्या अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं है? वह भी अब जबकि पुलिस विभाग यानी गृह विभाग सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। केशव प्रसाद मौर्य ने कल जो किया, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा था, दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डीजीपी के साथ बैठ करके बैठक कर रहे थे, और उस बैठक में जो बात चल रही थी उस बैठक में यही चल रहा था, और केशव प्रसाद मौर्य ने जो लिखा कि बढ़ते करप्शन को रोकने के लिए मैंने ये बैठक ली है, पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जिस विभाग के लोगों के साथ केशव प्रसाद मौर्य बैठक कर रहे हैं, दरअसल उस विभाग के साथ बैठक करने का अधिकार केशव प्रसाद मौर्य के पास है ही नहीं, क्योंकि गृह विभाग का बैठक गृह विभाग योगी आदित्यनाथ के पास है और गृह विभाग का बैठक आधिकारिक रूप से योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं, लेकिन ले कौन रहा है? केशव प्रसाद मौर्य। क्या केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को मुख्यमंत्री मान लिए हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य जब दिल्ली से लौटे मोदी और शाह से मुलाकात करके, नड्डा से मुलाकात करके, तो उनको साफ संदेश दे दिया गया कि अगले मुख्यमंत्री आप हैं और आप मुख्यमंत्री की तरह सक्रिय रहिए? तो केशव प्रसाद मौर्य, और तीसरी बात ये कि केशव प्रसाद मौर्य जिस करप्शन की बात कर रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार की बात केशव प्रसाद मौर्य की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार जो है 2017 से उत्तर प्रदेश में है, तब से उन्होंने नहीं किया, अब वो कर रहे हैं।
अब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और ये तभी रुकेगा जब योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जाएगा। तो केशव प्रसाद मौर्य के गृह विभाग के साथ बैठक जो हुई है, उस बैठक से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ फिर से बैकफुट पे आ गए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो रवैया दिल्ली में दिखा मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में, ना उन्होंने मोदी को ना अभिवादन किया, ना अमित शाह का अभिवादन किया, तो यह माना जा रहा था कि आरएसएस और योगी आदित्यनाथ हम हावी हो रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य रुकने का नाम नहीं ले रहे। केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी आदित्यनाथ को मुश्किलों में डाल रहे हैं। क्या लिखा है आगे, ढेर सारे लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, उसको भी पढ़ना जरूरी है। देखिए, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल है, उसने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ को टैग किया है, आपके मंत्री ने आपके विभाग की बैठक भी ले ली और आपके थानों में हो रहे भ्रष्टाचार को भी इंगित कर दिया। इसका मतलब आपका विभाग, आपके नेतृत्व, तो आपके राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार को केशव ने उधेड़ कर रख दिया है। आपके सामने इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है केशव ने। केशव का सीधा सा इशारा है कि कुर्सी छोड़िए और मठ वापिस जाइए, क्योंकि आपके राज्य में, आपके नेतृत्व में, आपके नाक के नीचे जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये समाजवादी पार्टी मीडिया से लिख रहा है। आगे लिखा है कि आपकी सरकार में आपका डिप्टी सीएम आपके विभाग को भ्रष्ट कह रहा है, तो किस मुंह से आप अपने अंतर्गत आने वाले विभाग का बचाव करेंगे? इस भ्रष्टाचार के जनक आप हैं, इस्तीफा दीजिए सीएम योगी जी, भ्रष्ट महाभ्रष्ट है भाजपा योगी सरकार। ये समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने साफ साफ लिखा है कि आपके गृह विभाग की बैठक केशव प्रसाद मौर्य ने लेकर के आपके पूरे सरकार को, आपके पूरे विभाग को आईना दिखा दिया है कि इस विभाग में परम भ्रष्टाचार चल रहा है। एक पत्रकार है एबीपी न्यूज के, उन्होंने लिखा है कि लगातार ये केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है उसको कवर कर रहे हैं। क्या लिखा है उन्होंने, गजब दिलचस्प हो रहा है यूपी, उधर केशव मौर्य को खारिज करने का अभियान छिड़ा हुआ है, इधर केशव फुल फॉर्म में है, बेधड़क बेपरवाह। अब लीजिए यूपी के डीजीपी की बारी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सीधा संदेश है, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने तथा साइबर क्राइम में बढ़ती हुई घटनाओं को व्यापक तौर पर रोकने के प्रयास करने सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। ये अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है। अभिषेक उपाध्याय लगातार केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो लड़ाई चल रही है उसको लगातार कवर कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी जो ट्वीट किया है उसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लोग जो लिख रहे हैं वो कहां से लिख रहे हैं, किस बात को लेकर के लिख रहे हैं, उसको जानना जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या ट्वीट किया है कि आज विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मानसून सत्र के दौरान कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक ली और जनता की समस्याओं को थानों पर प्राथमिकता से समाधान, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने तथा साइबर क्राइम से संबंधित बढ़ती हुई घटनाओं को व्यापक तौर पर रोकने के प्रयास करने सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अब ये निर्देश दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, देना योगी आदित्यनाथ को चाहिए। साफ साफ संदेश है कि केशव प्रसाद मौर्य जो ने जो खेमाबंदी की है, केशव प्रसाद मौर्य के लिए जो बैकअप है योगी मोदी के, मोदी शाह और नड्डा की, वो लगातार फॉर्म में दिख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य दरअसल डीजीपी को निर्देश दे रहे हैं, उस डीजीपी को जिसको निर्देश योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए, और लगातार वो भ्रष्टाचार का जो प्रश्न कर रहे हैं, लगातार जो भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य अकेले नहीं उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। अब एक नेता ने तो कह दिया कि अपने 42 साल के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में देखा ही नहीं थानों पर इतना भ्रष्टाचार। तो केशव प्रसाद मौर्य भी वही बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। अब 2017 से सरकार है, निर्देश आज दे रहे हैं। जिसको निर्देश योगी आदित्यनाथ दे रहे थे उसको निर्देश अब केशव प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। आगे एक बहुत जरूरी बात अभिषेक उपाध्याय ने लिखी है और उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं, काफ़ी ऐसी हैं कि आप समझिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कह डाली है डीजीपी को, वो सामान्य बात नहीं है। क्या लिखा है अभिषेक उपाध्याय ने, कल लखनऊ में तीन पहर तीन बड़ी राजनीतिक संदेश थे। पहला उन्होंने जो लिखा है
सुबह सुबह डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए फिर से दोहरा दिया कि संगठन सदा बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। इस खबर को, जो खबर मैं पढ़ रहा हूँ, इसी खबर को हमारे साथी प्रज्वल जी ने इसी चैनल द पॉलिटिक्स मैन पर सबसे पहले आपको बताया था। आगे क्या लिखा है, केशव का यह संदेश इसलिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि पिछले 48 घंटे में उन्हें हटाने, उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने या फिर उन्हें रिप्लेस किए जाने की खबरें चल रही थी। यानी केशव कहीं से बैकफुट पर नहीं दिख रहे हैं। जो बात दी पॉलिटिक्स मैन, हमारे साथी प्रज्वल जी, मैं स्वयं इसी चैनल पे आपको बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जब दिल्ली से लौटे थे तो यह माना जा रहा था कि दोनों डिप्टी सीएम बदल दिए जाएंगे। 24 घंटे इस पर चर्चा हुई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का जो कल रवैया था, साफ साफ संदेश केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिया था कि भाई हम रुकने वाले नहीं हैं, सीएम तो हम बन के रहेंगे, योगी आदित्यनाथ को हटा के रहेंगे। आगे क्या लिखा है, दोपहर होते होते पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक में केशव ने एक और बड़ी बात कह दी कि मीडिया और सोशल मीडिया में जो चल रहा है उस पर मत जाइए, अक्सर वहाँ चलता कुछ है और बीजेपी में होता कुछ और है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने साफ संदेश दे दिया है कि जो सोशल मीडिया चल रहा है या बताने की कोशिश की जा रही है कि मैं सीएम नहीं बन रहा हूँ, मुझे हटाया जा रहा है, ये बात सरासर गलत है। जो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है बीजेपी में वो हो नहीं रहा होता है। यानी जो बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही हैं और बीजेपी के नेताओं की ओर से कही जा रही हैं, योगी के सजातीय नेताओं की ओर से कही जा रही हैं, वो सच नहीं है। बीजेपी के अंदर खाने कुछ और चल रहा है, जो आपको दी पॉलिटिक्स मैन बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की कवायद चल रही है और वो समय नज़दीक है जब योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। आगे क्या लिखा है, शाम से ठीक पहले केशव की डीजीपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए तस्वीर और उन्हें बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने वाला जो स्पष्ट संदेश था, कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल तो खड़े करते ही हैं, एक सवाल केशव प्रसाद मौर्य लंबे समय से खड़े करते हुए आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के हार के बाद से खड़े करते हुए आ रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य की मंशा साफ है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए और मुझे सीएम बनाया जाए। अब योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर हैं, एक सवाल ये भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ की शक्तियाँ उत्तर प्रदेश से घटाई जाएंगी, क्या योगी आदित्यनाथ के हाथ से जो चल रहा है गृह विभाग उसको छीना जाएगा, क्या केशव प्रसाद मौर्य को दिया जाएगा, तमाम सवाल हैं। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जिसे फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं, साफ साफ संदेश है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। आप इस वीडियो को लेकर के, आप केशव प्रसाद मौर्य की इस बैठक को लेकर के दी पॉलिटिक्स मैन, जो आपका अपना चैनल लगातार इन खबरों को ला रहा है सामने, लगातार केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की बात को सामने ला रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम राज्यों पर जो दी पॉलिटिक्स मैन का वीडियो आ रहा है उसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।